एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा मोबाइल ऐप लेके आया हूँ जो है तो एक सिर्फ छोटा सा ऐप, लेकिन ये आपके बड़े बड़े काम बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने वॉइस के साथ में, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, आप लाइव गेमिंग करना चाहते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय व्हाइट बोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, आप व्हाइट बोर्ड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय एनोटेशन का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, ये सारे फीचर इस एक ऐप के अंदर अकेले ही आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस ऐप में आपको कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको परेशान करते हैं, और साथ ही साथ इस ऐप में आप वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, उसे ट्रिम कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स इसके अंदर हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है स्ट्रीम गुरु ऐप, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग सेक्शन है, जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स होती है वो यहाँ पे शो होती है। ये स्क्रीनशॉट सेक्शन है, यहाँ पे आपके जितने भी स्क्रीनशॉट होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये ऑडियो सेक्शन है, यहाँ पे आपकी जितनी भी ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो यहाँ पे होती है। ये सेटिंग्स है, यहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और वीडियो को जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सेटिंग्स आइकन है, इसके अंदर वीडियो के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि आपको वीडियो को किस सेटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है, वो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये कंट्रोलिंग ऑप्शंस है और यहाँ पे ये अदर ऑप्शंस है। वीडियो के अंदर हम देखते हैं स्टोरेज, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी जो स्टोरेज जो फाइल है वो जाके स्टोर होगी। ये रिजोल्यूशन है कि वीडियो का जो रिजोल्यूशन होगा वो कैसा हो सकता है। ये फ्रेम रेट है, कितने फ्रेम रेट पे आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होगा। ये बिट रेट है, ओरिएंटेशन आप जो रखना चाहते हैं, ऑटो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ऑडियो सोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन या फिर इंटरनल ऑडियो, जैसा भी आप करना चाहें वो। इसमें आप वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, शो वाटरमार्क इन रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये वाटरमार्क नहीं दिखाएगा। तो ये तो हो गई सेटिंग्स की बात, ये हो गई ऐप के अंदर के फीचर्स की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप क्या क्या कर सकता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लोटिंग आइकन है इस ऐप का, जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। ये जो सबसे ऊपर जो टॉप में आपको कैमरे जैसा दिख रहा है, जो वीडियो कैमरे जैसा दिख रहा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए है। ये जो नॉर्मल कैमरे जैसा दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट खींचने के लिए है। ये जो इमेजेस जैसा दिख रहा है ये आपकी इमेजेस को ओपन करके दिखाने के लिए है। ये जो नीचे तीन डॉट दिख रहे हैं ये लाइव गेमिंग करने के लिए है। यहाँ पे ये जो आपको एनोटेट का ऑप्शन दिख रहा है ये एनोटेट करने के लिए है। इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर। ये व्हाइट बोर्ड का मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं। ये मैंने आपको रिसाइज करके बता दिया है कि अगर आपको पेंसिल को रिसाइज करना है तो आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं, या आप इस तरीके से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है, आप इरेजर को भी रिसाइज कर सकते हैं और इसे इजीली रफ कर सकते हैं। जितना पोर्शन आप रफ करना चाहें आप इसे रफ कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड भी दिया हुआ है, आप चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मुझे क्लियर से आप पूरा क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी लिख के बता रहा हूँ पेंसिल से। तो देखिए यहाँ पे कितना इजीली तरीके से आप इस पे लिख भी सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा व्हाइट बोर्ड है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये आपकी चीजों को रिकॉर्ड भी करता जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेटिंग करी हुई है कि जब रिकॉर्डिंग हो तो मुझे ये जो मैजिक बटन है यहाँ पे दिखता रहे। इसे आप हाइड भी कर सकते हैं, बट ये आपको अगर दिखता रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे इस एनोटेट का जो आइकन है पॉज के आइकन के नीचे, उसका आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। जैसे कि मान लीजिए मैंने
अगर पीपीटी में शो कर रहा हूँ या मैं कुछ भी शो कर रहा हूँ पीपीटी जैसा, तो मैं उस स्क्रीन को भी यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए ये जो मेरी पीपीटी है ये मैंने ओपन करी हुई है, अब ये मेरा जो रिकॉर्डर है ये वर्क यहाँ पे कर रहा है, तो साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एनोटेट का ऑप्शन ओपन करके अगर मुझे यहाँ पे कुछ समझाना है या कुछ बताना है तो मैं उसे बता सकता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं अभी इसके अंदर कलर जो है वो एक ही कलर दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर देगा। अब आपका जो ये पॉइंटर है ये चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। ये आप देख सकते हैं मैं ये रबड़ का यूज़ कर रहा हूँ और इसे रफ कर रहा हूँ इरेजर का यूज़ करके। अब आप ये देख सकते हैं ये मैंने पेन से पहले लिख दिया, अब मैं ये इरेजर का यूज़ करके इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी एनोटेशन के साथ में। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे एक कैमरे का आइकन भी दिया हुआ है, जब आपका ये रिकॉर्डिंग चल रही है तभी कैमरे का आइकन दिया हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं आप अपने कैमरे को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक डिस्प्ले देगा, देख सकते हैं ये एक डिस्प्ले शुरू कर देगा इस तरीके से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ करके आप जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी लिख भी सकते हैं और उसे इरेज भी कर सकते हैं, ताकि जब आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं अपनी पीपीटी के साथ में तो आपने फटाफट उसको यहाँ पे समझा दिया और उसे रफ कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आपका ऐप है ये स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करता रहेगा और ऑडियो को भी रिकॉर्ड करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप है ये बहुत ही अच्छा और छोटा ऐप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है जिसके अंदर मेरे अभी जो भी रिकॉर्डिंग है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ट्रिम करने का, एडिट इमेज करने का, कंप्रेस करने का, वीडियो को जिप बनाने का, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको कभी लाइव स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत रही तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो वन एंड ऑल कह सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा ऐप है ये बहुत ही काम का ऐप है। इसके अंदर आपको किसी भी तरह के एड्स आप देख सकते हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इवन वाटरमार्क का ऑप्शन भी आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो आप हटा सकते हैं। तो इससे बेहतर कोई ऐप नहीं हो सकता है। तो मैं इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसे यूज़ करके देखिए, इससे वीडियो बनाइए, अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग करके देखिए, वीडियो को ट्रिम, एडिट, कंप्रेस, जिफ में कन्वर्ट करके देखिए, सब कुछ करके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ एनोटेट कैसे कर सकते हैं, वाइट बोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के क्या फीचर्स है आपने ये समझ लिया है। तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, ताकि ये आगे और भी लोगों को मिल पाए। और हाँ, आप भी इसे खुद शेयर कर सकते हैं, लिंक आप कॉपी करके किसको भी भेजना है आप उसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे एट होम।